ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 6:45 तक लगी रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज विशाखा नक्षत्र में दोपहर 4 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, बोलने में चतुर और शत्रुओं पर विजय पाने वाले होते हैं। ये ईमानदार, स्पष्टवादी और सादगी पसंद होते हैं। उन्मुक्त विचारधारा वाले, उच्च महत्वाकांक्षी, उत्साही, न्यायप्रिय, नेतृत्व करने में सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज 9:30 से वृश्चिक राशि में चलते रहेंगे, जो कि चंद्रमा की नीच राशि है, जिसके राशि स्वामी मंगलदेव हैं। मेष राशि के लिए आज चंद्रमा 8वें घर में नीच राशि में चल रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति में कमी महसूस होगी और मां के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी। मानसिक संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, बातों के बुरा मानने की प्रवृत्ति बनेगी, मगर कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और आर्थिक योजनाएं फलीभूत होंगी। साझेदारी में लाभ संभव है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों और अपने सुख सुविधाओं पर खर्च की स्थिति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, छोटी यात्राओं का योग बनता है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, छोटी मोटी दिक्कतों में भी सावधानी आवश्यक है। गुरु का वक्री होकर 6वें बैठना और मंगल व शनि की युति का 8वें भाव में होना, साथ ही चंद्रमा का नीच का होकर 7वें भाव में गोचर करना सावधानी की ओर संकेत देता है। हालांकि नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, हर काम मन मुताबिक पूरा होगा। आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा, मगर पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक उत्थान और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे, अधूरे काम पूरे होंगे। सरकारी कामकाज में सक्रिय भागीदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी, मगर अचानक किसी काम में बाधा संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें, मन थोड़ा अशांत रह सकता है। खाने पीने में सावधानी बरतें, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए मानसिक चिंता और मन में नकारात्मक विचारों का उठना संभावित है। उत्साह में थोड़ी कमी महसूस होगी। कार्य योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, मगर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। धैर्य के साथ काम करते रहें और किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनने दें। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, न्यायालय या संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों का ऊर्जा स्तर और दृढ़ विश्वास बना रहेगा, मगर मन में शंकालु प्रवृत्ति जन्म लेगी और नकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं में स्थिरता आएगी और विकास होगा। गुरु की प्रेरणा और सूर्य का सहयोग लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, मगर पारिवारिक तनाव की स्थिति संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है और अपने स्वास्थ्य पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए, सफलता मिलेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में भी सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है, मगर संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। अच्छे कामों में निवेश का योग बना हुआ है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे,
मगर माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। फिटनेस के लिए अपनी दिनचर्या में योगा व व्यायाम को शामिल करें, अच्छा महसूस करेंगे। तुला राशि के जातक आज गुरु और शनि के नक्षत्र से प्रभावित होते रहेंगे, जिनका मिला जुला फल प्रयासों को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखने वाला और मानसिक सुकून, संतुष्टि और आत्मविश्वास की वृद्धि कराने वाला होगा। मगर योजनाओं में वाद विवाद से बचें, नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आर्थिक और व्यावसायिक उतार चढ़ाव संभावित है। आज का दिन पारिवारिक चिंता में उलझा रहेगा। आपके परिश्रम के अनुसार आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम रहेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आय से अधिक व्यय की स्थिति संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोच और कार्यशैली में बार बार परिवर्तन संभावित है, मगर सकारात्मक ऊर्जा और काम करने की क्षमता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। दिमाग का रचनात्मक पहलू सक्रिय रहेगा, मगर धैर्य और संयम रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। कुछ कामों की रुकावट हो सकती है, मगर अधिकतर प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आपके मेहनत के अनुरूप योजनाओं का विस्तार संभावित है। आवश्यक संसाधनों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के काम आज के लिए उचित नहीं होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। मेहनत का लाभ मिलेगा व शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अतिरिक्त कार्यभार महसूस करेंगे। किसी से अनावश्यक उलझना उचित नहीं होगा। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। सप्तम भाव में राहु का होना, साथ ही चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, सप्तमेश का नीच का होना पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी का संकेत देता है। कुंभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र की सक्रियता बनी रहेगी और उतार चढ़ाव संभावित है, मगर लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे। आपके बुद्धि कौशल से बिगड़ते हुए काम भी बनते जाएंगे। किसी महिला के सहयोग से आपके कामों में सहूलियत मिल सकती है। भाग्य साथ देगा और लाभ मिलता जाएगा। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा और अधिकारी पक्ष में रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। योजनाएं बाधित कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के सक्रियता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने ही कामों पर संदेह की स्थिति संभावित है और कार्य क्षेत्र की निरंतरता प्रभावित हो सकती है। कोई आरोप लग सकता है और साजिश के शिकार हो सकते हैं। सावधानी बनाए रखें। संवेदनशीलता निर्णय लेने के लिए उचित नहीं होगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।